हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बनाकर तैयार करेंगे बहुत ही बढ़िया सुपर डिलीशियस सा मैंगो डेजर्ट कप्स। बहुत ही सिंपल और इजी है इसको बनाना बिना बेकिंग के। सिंपल तीन या चार इंग्रेडिएंट्स आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हो। तो कंप्लीट रेसिपी वॉच कर लीजिए। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट। चलिए, मैंने यहाँ पर लिए हैं 12 डाइजेस्टिव बिस्किट्स ब्रिटानिया के। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप पा लीजिए, या मैरीगोल्ड जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे भी आप बनाकर तैयार कर सकते हो। मैंने 12 क्वांटिटी बिस्किट्स की यहाँ पर ली हुई है। बिस्किट्स भी ले सकते हो, मैं इस तरीके से रूट प्रोसेस से ले लूंगी। इसमें हम सारे बिस्किट्स को ऐड करके इसका एक क्रम बनाकर तैयार कर लेंगे। देख सकते हो अच्छे से यहाँ पर ग्राइंड हो चुका है। मैं इसको ट्रांसफर कर लूंगी एक बाउल में। हम सारे बिस्किट के क्रम्स को इस तरीके से यहाँ पर रिमूव कर लेंगे। इसमें मैं ऐड कर दूंगी 3 टेबलस्पून उतना मेल्टेड बटर। मैंने यहाँ पर अनसॉल्टेड बटर का यूज किया। आप चाहो सॉल्टेड बटर भी ले सकते हो। अगर आपके पास बटर अवेलेबल ना हो तो घी को मेल्ट करके उसका भी यूज कर सकते हो इस रेसिपी में। इन सारी चीजों को हल्के से मैं यहाँ पर कंबाइन कर लूंगी। यहाँ पर एक मड़ी सा टेक्सचर हमारा तैयार हो जाए। बस हल्के से इतना ही मिक्स करना है हम इस मिक्सचर को। तो चलिए इस मिक्सचर को करते हैं साइड। मैंने यहाँ पर मूस जार्स ले लिए, इस तरीके की मेरे पास अवेलेबल थे तो मैंने यूज कर लिया। अगर आपके पास ना हो तो सिंपल शॉर्ट ग्लासेस जो होते हैं ग्लास के वो ले सकते हो, वरना आप चीनी का बाउल हो तो उससे भी बनाकर तैयार कर सकते हो ग्लासेस को। आज हम यहाँ पर 6 ग्लासेस बनाकर तैयार करेंगे। हर ग्लास में 1 टेबलस्पून उतना हम इस बिस्किट के क्रम को ऐड करते हुए जाएंगे। जैसे ही हम यहाँ पर बिस्किट का क्रम ऐड करेंगे, हल्के से जेंटल स्पून की हेल्प से हम इसको सेटल डाउन करके लेवल अप कर लेंगे। इसी तरीके से सारे ग्लासेस को हमें बस सेट। मैं इन सारों को कर दूंगी साइड, या आप चाहो तो 10 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेट कर लीजिए ताकि ये हल्का सा लेयर सेटल डाउन हो जाए। मैंने यहाँ पर लिया है एक चिल्ड वाला बाउल। इसमें ऐड कर दूंगी व्हिपिंग क्रीम 170 ml होती है। सारे व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से हम व्हिप कर लेंगे जब तक सॉफ्ट बीक्स ना आ जाए। यहाँ पर अच्छे से हल्के से सॉफ्ट बीक्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। इसी टाइम पर बीट को स्लो करके टर्न ऑफ करेंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे 1/2 कप उतना मैंगो का पल्प। यहाँ पर मैंगो के पल्प को ऐड करने के बाद बीटर की हेल्प से अनदर 1 मिनट के लिए अच्छे से हम बीट कर लेंगे ताकि बढ़िया तरीके से क्रीम के साथ मैंगो का पल्प अच्छे से कंबाइन हो जाए। चलिए अच्छे से 1 मिनट के लिए मैंने सारी चीजों को बीट कर लिया है यहाँ पर। तो चलिए अब इस व्हिपिंग क्रीम को हम ऐड कर देंगे पाइपिंग बैग में। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पाइप कर लिया है एक ग्लास में पाइपिंग बैग को। इसमें सारे मिक्सचर को हम फिल कर लेंगे। चलिए मैंने यहाँ पर बढ़िया तरीके से पाइप कर लिया है। अब ले लेंगे जो हमने जार्स को रेफ्रिजरेट कर लिया था 10 मिनट्स। यहाँ पर सारे डेजर्ट कप्स को मैं 3/4 उतना इस क्रीम की फिलिंग से फिल कर लूंगी। चलिए मैं आप लोगों के साथ एक क्लोजअप लुक भी शेयर करता हूँ। एकदम बढ़िया डिलीशियस से डेजर्ट कप्स क्रीमी इस तरीके से बनकर तैयार होते हैं। बहुत ही डिलीशियस और यम बनते हैं। बिना तामझाम झटपट बनकर तैयार होने वाले डेजर्ट कप्स हैं। सारे मैं इसी तरीके से फिल कर लूंगी। देख सकते हो बढ़िया तरीके से सारे मूस जार्स को मैंने यहाँ पर इस तरीके से फिल कर लिया। बहुत ही डिलीशियस और यम लग रहे हैं। यहाँ पर हल्के से स्पून की हेल्प से मैं हल्का सा जेंटल टैप दे दूंगी। इसी तरीके से सारे मूस जार्स को इजिली लेवल अप कर लेंगे स्पून की हेल्प से। ऊपर की लेयर में मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा मैंगो का पल्प ऐड कर दूंगी। हर जार में डेजर्ट कप्स के 2 टीस्पून उतना मैंगो का पल्प ऐड करेंगे। हल्के से इजिली स्पून की हेल्प से या टैप करते हुए मैंगो के पल्प को स्प्रेड कर लेंगे। आप चेक कर सकते हो कितना डिलीशियस और यम सा लुक इस डेजर्ट का आया हुआ। देख सकते हो यहाँ पर बढ़िया से सारे डेजर्ट्स में पल्प को ऐड कर लिया है। इसे करते हैं साइड। रेस्ट ऑफ द जो क्रीम व्हिपिंग की बची हुई थी उसको हल्के से थोड़ा सा बीट कर लेंगे। तो चलिए जो रेस्ट ऑफ द क्रीम थी उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। यहाँ पर ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून उतना वनीला एसेंस। वनीला एसेंस को ऐड करके हल्के से 1 मिनट के लिए जब तक स्टिफ बीट्स ना आ जाए तब तक अच्छे से हम बीट कर लेंगे। तो चलिए इस क्रीम को भी मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग में ऐड कर लिया है। स्टार नोजल को ऐड करते हुए ऊपर से हल्के से रोजेट्स बना लेंगे। थोड़ा सा हल्का सा छोटे छोटे रोजेट्स बनाकर इस डेजर्ट कप्स को डेकोरेट कर लेंगे। आप देख सकते हो एकदम डिलीशियस है यहाँ पर डेजर्ट कप्स मैंगो के बनकर तैयार है। सुपर इजी सिंपल डेजर्ट कप्स है। इसकी लुकिंग आप चेक करें कितनी डिलीशियस और यम बनकर तैयार हुई है। मैं यहाँ पर मिंट लीव से थोड़ा सा गार्निश कर लूंगी।
एकदम बढ़िया डिलीशियस है मैंगो डेजर्ट कप्स बनकर तैयार हैं। आप इसको जरूर से इस समर्स बनाइए और अपने बच्चों और फैमिलीज के साथ कीजिए एंजॉय। बहुत ही डिलीशियस और यम वाली रेसिपी है। इससे पहले भी ढेर सारी ऐसी क्विक डेजर्ट कप्स की रेसिपी मैंने शेयर की है, उनका लिंक भी आई बटन में आ रहा होगा। यह वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी ऐसी ढेर सारी क्विक सिंपल और इजी रेसिपीज के लिए। मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें, अपने प्यारे प्यारे फीडबैक्स और कमेंट्स जरूर से मेरे साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।